गुड मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग और कैसी चल रही है आपकी तैयारी। गुड मॉर्निंग एवरीवन। जैसा कि आप सभी लोगों को पता ही है कि दिन प्रतिदिन क्लासें आपकी हो रही हैं और ब्लड रिलेशन एट प्रेजेंट वर्तमान में हमारे द्वारा जो फाउंडेशन कोर्स लिया जा रहा है उसमें हमने अब तक के 3 सिलेबस को हमने 3 पार्ट में कैटेगराइज किया है। सबसे पहला पार्ट 1, जिसमें हमने आपको कैलेंडर को सबसे पहले डिस्कस किया, दूसरे नंबर पर क्लॉक, तीसरे नंबर पर क्यूबैंड क्यूबॉइड और चौथे नंबर पर एट प्रेजेंट ब्लड रिलेशन डिस्कस किया जा रहा है, जिसमें क्लास नंबर आज 3 है। तो आप सभी लोग भली भांति, कल जैसा कि आपका एक हमने सेमिनार किया था, सभी लोगों को साथ में हमने किया था, तो सारे एडुकेटर्स आपके सामने उपस्थित थे, तो बहुत से लोगों का कमेंट आ रहा था कि हमारा एग्ज़ाम इतने तारीख को है एसएससी स्टेनोग्राफर का। तो आपसे मैं एक ही आपसे क्या जितने भी लोग हमसे पढ़ रहे हैं उनसे मैं आपसे यही गुजारिश करूंगा कि आप हमेशा इस चीज़ को पढ़ा करें। ये मेरा अपना अनुभव है और ये मैं कहता हूँ कि आप हमेशा इस चीज़ की तरफ दौड़ो फाउंडेशन के चक्कर में। और फाउंडेशन में आपको क्या होता है, A to Z सारी चीज़ें, सिलेबस के जितने पार्ट होते हैं, सिलेबस के जो भी सिस्टम्स होते हैं, सारी चीज़ आपके सामने डिस्कस कर दी जाती है। तो इसके चक्कर में पढ़ें, ना कि आप ये सोचें कि अभी एट प्रेजेंट PET का एग्ज़ाम 2022 वाला होने वाला है, तो उसका जो सिलेबस है लगभग रीजनिंग के 6 से 7 चैप्टर हैं, तो उसमें लोग परेशान होते हैं कि इस चैप्टर को हम कहाँ से ढूंढ के पढ़ लें, आप ढूंढो ना, आप अपने चैनल से फाउंडेशन मजबूत करो और नोट्स के साथ एक बार अंडरस्टैंडिंग डेवलप करके पढ़ लो 100%। दोबारा तीबारा अगर आप फिर से एक बार इसी क्लास को रिपीट करते हैं, भविष्य में आपको कभी समस्या उत्पन्न नहीं होगी, ये हमारा मानना है। क्योंकि जितना आप रिवीजन करेंगे पढ़ने के बाद, जिस तरीके से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, आप डेली उतनी डोज लेते जाएं, आने वाले समय में आप एक अच्छा एग्ज़ाम में प्रदर्शन कर पाएंगे। ये UP क्लासेस प्रयागराज की जानिब से मैं बोल रहा हूँ। तो आप सभी लोग फाउंडेशन कोर्स पढ़ें, कहीं मत जाएं। आप सोच रहे होंगे कि ये तो आप रीजनिंग पढ़ा रहे हैं, जनरल साइंस के लिए हम कहाँ जाएं, मैथमेटिक्स के लिए कहाँ जाएं। तो हम जितने भी टीचर्स को लाएंगे, जितने भी एडुकेटर्स को लाएंगे, वो सच्चे और ईमानदार होंगे, आपके साथ कोई खिलवाड़ नहीं होगा। बस आप चैनल पर बने रहो, चैनल का समर्थन करते रहिए, आपको सारी चीज़ अच्छी सी उपलब्ध हो जाएंगी। क्योंकि आप देखिए, आपका ये नैतिक जिम्मेदारी है हमारे प्रति कि आप हमें कितना सचेत कर पा रहे हैं, कितना संतुष्ट कर पा रहे हैं। बाकी आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को चैनल पर जोड़िए, क्योंकि आप ये कार्य को कर सकते हैं। क्योंकि अगर चैनल पर, भाई देखो सीधी सी बात है, मैं चैनल पर उपस्थित हुआ हूँ इसलिए कि हाँ ऑडियंस हमारे पास आएंगे, ज़्यादा लोग होंगे तो अच्छा लगेगा, ठीक है, इससे चैनल पर इफेक्ट पड़ता है। आइए फिर भी आप ऐसा काम कर रहे हैं, आइए आज हम बात करते हैं फाउंडेशन कोर्स। ब्लड रिलेशन आपके सामने दिख रहा होगा, रक्त संबंध, ये सारी चीज़ें बता दी गई हैं और आज ये क्लास नंबर 4 है। तो जैसा कि कल हमने आपको ये एक बात बताया था, सब कुछ तो हमने आपको बताया था, लेकिन फिर हमने आपको ये भी बताया था टाइप्स ऑफ क्वेश्चन, कि एग्ज़ाम में प्रश्न कैसे आ रहे हैं, सब कुछ बताया था। तो आज के इस सेगमेंट में थोड़ा सा कल का जो हमने बताया था आपको प्रश्नों के प्रकार, थोड़ा सा उन्हीं 3 प्रश्नों को आपके सामने विस्तार से चर्चा करते हैं। सबसे पहला प्रश्न, एग्जाम में कैसे बनेगा ब्लड रिलेशन पर, अगर इस पर हमारी पकड़ नहीं है तो फिर हमको पता ही नहीं है कि एग्ज़ाम में प्रश्न आने वाला कैसे है। तो 3 प्रकार से प्रश्न आपके एग्ज़ाम में क्रिएट होंगे। टाइप नंबर 1, पहला प्रकार, जिसमें आपसे एक बेसिक क्वेश्चन पूछेगा, सामान्य सी बात को पूछेगा, जिसमें प्रश्न है आपके सामने A is the brother of B, अर्थात इसमें हिंदी और इंग्लिश
दोनों में हमने कंटेंट अवेलेबल करवाया है, तो आइए हिंदी में हम चेक कर लेते हैं। कह रहा है ए बी का भाई है और एल क्यू की बहन है, ठीक है, एल क्यू की बहन है, के बी और एल का पुत्र है, एम के की बहन है, ए एल से कैसे संबंधित है। सब कुछ तो लोग सॉल्व कर लेते हैं कैसे भी कैसे करके, लेकिन इस लास्ट के जो आपके सामने इतना शब्द दिया गया है ना, इसमें लोग फंसते हैं क्या कि ए एल से कैसे संबंधित है। आइए सबसे पहले हम प्रश्नों को रिलेट करते हैं, प्रश्नों को सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। अब सुनिएगा, बारीकी से ध्यान पूर्वक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करिएगा कि मैं क्या कह रहा हूं। ए बी का भाई है ना, तो यहां पे भाई कौन होगा, और हमने आपको बताया था डायग्राम मेथड। अगर आज ये पहली क्लास है तो आप पूर्व की दो क्लास को आप जरूर देखें, क्योंकि क्लास नंबर आज 3 है। यहां पे साफ कह रहा है ए बी का भाई है, तो बी का भाई है कौन, तो आपको कहना है ए। और हमने बताया था जब भी हमारे लिए एक मेल आएगा तो उसके लिए स्क्वायर जैसी आकृति को हम क्रिएट करेंगे। अब ए बी का भाई है, अब भाई बहन जो है ये आपस के संबंध है, ये हमारी श्रेणी के अंतर्गत ही आते हैं। अगर हमारे पिता माता दादाजी आएंगे, हमसे पीढ़ी अगर बड़ी आ रही है, तो ये जो हमने लाइन लिया है ये ऊपर लेंगे। अगर हमारी हमसे लोग छोटे हैं तो उसके लिए ये जो हमने एक लाइन खींचा है ये नीचे की ओर लेंगे, ठीक है, क्योंकि बड़े लोग हमेशा बड़े होंगे, छोटे लोग हमेशा छोटे होंगे, तो आपस के लोग हमेशा आपस में होंगे। तो बी का भाई है कौन, ए। अब मैं यहाँ से आपसे प्रश्न पूछता हूँ, क्या ए की ए तो भाई हो गया बी का, अब ये बताइए कि ए का बी कौन लगेगा। तो बी इसे भाई बोलेगा, लेकिन ए जो है बी को भाई भी बोल सकता है, बहन भी बोल सकता है, क्योंकि बी कह रहा है ना ए बी का भाई है, तो बी लड़की भी हो सकती है, लड़का भी हो सकता है। अगर बी लड़की हुई तो भाई बहन हो जाएंगे, अगर बी लड़का हुआ तो भाई भाई हो जाएंगे। तो हमें अभी बी का जेंडर क्लियर नहीं है, इसलिए डायग्राम को हम ऐसे बनाकर छोड़ देंगे। अब आइए प्रश्न को आगे पढ़ते हैं। उस प्रश्न में कह रहा है एल क्यों की बहन है, इसको बना लीजिए क्योंकि यहां पे अभी आपस में रिलेटेड नहीं है, आगे रिलेट हो जाएगा। एल जो है क्यों की बहन है, तो क्यों की बहन कौन है, एल है। अब बताया था हमने जब भी गलत के लिए आ जाएगा तो उसके लिए आप एक सर्कल बनाएंगे, तो ये प्रतीत होगा कि हाँ ये बहन है, लेकिन क्यों का जेंडर क्लियर नहीं है कि एल का क्यों क्या लगेगा, लड़का भी हो सकता है, लड़की भी हो सकती है, ठीक है। उसके बाद प्रश्न को आगे पढ़िए। अब प्रश्न यहाँ से रिलेट होगा, कह रहा है के बी और एल का पुत्र है, बी और एल का पुत्र है, तो हमने बताया था बी और एल, तो इसका मतलब बी और एल तो शादीशुदा होंगे, लेकिन अभी ये जेंडर हमें क्लियर नहीं है कि बी गर्ल्स है क्या एल बॉयज है, या एल बॉयज है या बी गर्ल्स है, ये नहीं पता। लेकिन इतना जरूर कह दिया है कि के जो है पुत्र है किसका, बी और एल का, तो पुत्र के लिए एक स्क्वायर। लेकिन इतना हमें मालूम हो गया कि बी या तो बी गर्ल्स होगी, ये भी मालूम चल गया कि बी और एल का पुत्र है, तो इससे साफ स्पष्ट हो गया कि इन दोनों का विवाह हुआ होगा, तभी तो कह रहा है भाई बी और एल का पुत्र कौन है, के है। तो अभी आगे चलते हैं, अब समझ में आ जाएगा जेंडर। उसके बाद यहाँ पे देखो, अब इस डायग्राम को ले लो आप, अभी ये बताया गया था कि यहाँ पर था ना कि एल क्यों की बहन है, तो एल बहन है ना किसकी, क्योंकि अब इसको यहाँ बना दीजिए आप, इसको आप इरेज कर दो। रिलेट हुआ कि नहीं रिलेट हुआ प्रश्न, प्रश्नों को रिलेट करना सीखो। क्यों का जेंडर अभी भी क्लियर नहीं है, अभी और भी बचा हुआ है। यहाँ देखो, जब क्यों की बहन एल है तो यहाँ से जब ये गर्ल्स हो गई, ये औरत हो गई, ये लड़की हो गई, तो ये जाहिर सी बात है लड़का हो जाएगा,
क्योंकि इन दोनों का विवाह हुआ है। विवाह एक पुरुष और एक महिला का होता है, ना कि महिला महिला, ना कि पुरुष पुरुष, ठीक है, ये समझने की बात है। उसके बाद कह रहा है के की बहन है एम, या एम के की बहन है, तो एम जो है के की बहन हो गई, प्रश्न खत्म। लेकिन अभी भी हमें क्यों का जेंडर क्लियर नहीं हुआ और क्यों यहां से एल की बहन है, एल की बहन। आइए अब देखते हैं यहां से, यह लास्ट का जो प्रश्न दिया गया है, लास्ट की जो लाइन मिली गई है, यही कंफ्यूजन क्रिएट करती है। अब सुनो इसका अर्थ क्या हुआ। देखो कह रहा तीनों चीज को आप बारीकियों से समझना, इसी तीन पर प्रश्न बनेंगे और 100% आप प्रश्नों को सॉल्व कर पाओगे। कह रहा है ए एल से कैसे संबंधित है, सुनो ए एल से कैसे संबंधित है, तो आप प्रश्न उठाइएगा कौन। हम कह रहे हैं ना ए एल से कैसे संबंधित है, इसका मतलब जो शुरू में आ रहा है वो एल से कैसे संबंधित है, तुरंत आप एल से एक एरो बनाइए और ए पर ले जाइए, यानी एल इस ए को क्या कहेगा, क्या बोलेगा। अब समझने वाली बात यह है कि एल कौन है, यानी ए जो है ये बी के भाई हैं, ए भाई साहब ये बी के भाई हैं, और जब बी के भाई हैं तो बी ए के भाई बी हैं और बी की पत्नी एल है, तो बी की पत्नी एल ए को क्या बोलेगी, देवर बोलेगी। एक सिचुएशन और भी क्रिएट होगी, जेठ भी बोल सकती है। इस कंडीशन में देवर और जेठ के लिए हम एक शब्द का प्रयोग करते हैं, ब्रदर इन ला, ब्रदर इन ला, ब्रदर इन ला, ठीक है। आपके एग्जाम में ये नहीं देगा देवर जेठ साला, ये सब कुछ नहीं देगा, ब्रदर इन ला देगा। और ये कैसे हमने ब्रदर इन ला कर दिया, अब आप कहेंगे आपने तो बताया नहीं ब्रदर इन ला का अर्थ क्या होता है। भाई साहब आज तीन क्लासें हो गई हैं, तीन क्लासें में लगभग सिर्फ और सिर्फ हमने दो क्लास में आपको पीढ़ियों के बारे में समझाया है, परिवार आरेख को दर्शाया है, ब्रदर इन ला, नेफ्यू, मैटरनल, पैटरनल, ग्रैंडफादर, ग्रैंडसन, सारी चीज फैमिली के बारे में हमने समझाया था। तो आई होप कि इस प्रश्न में आपको कोई दिक्कत नहीं हुई होगी और प्रश्न आपका सॉल्व हो गया होगा। आइए बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर, और अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा स्क्रीन पर, जो प्रश्नों के प्रकार में टाइप नंबर 2 है। आपके सामने है टाइप नंबर 2, जिसमें हम कह सकते हैं पॉइंटिंग बेस्ड क्वेश्चन। पॉइंटिंग बेस्ड क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं एग्जाम में, आइए वो देखो। प्रश्न को पढ़िएगा, इस प्रश्न में पॉइंटिंग बेस्ड होते हैं, पॉइंटिंग बेस्ड। बाय द वे आप एग्जाम्पल मैं आपके सामने ले रहा हूं, हम हैं और आप मान लीजिए कि हमारे सामने कई लोग पढ़ रहे हैं, उसमें से एक व्यक्ति है, मान लीजिए उस व्यक्ति का नाम है आनंद। अब मैं कह रहा हूं भाई आनंद तुम्हारे सामने एक तस्वीर लगी है और उस तस्वीर से मेरा संबंध है, मैं तुमसे कह रहा हूं कि वह तस्वीर मेरे फला 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 की है, तो उस तस्वीर से मेरा क्या संबंध है, वही सेम कंडीशन पॉइंट बेस्ड की होती है। तो यहां तक अब आप समझ गए होंगे कि पॉइंटिंग बेस्ड है क्या। तो आइए यहां पे देखते हैं, प्रश्नों को पढ़ते हैं। एक लड़की की ओर इशारा करते हुए मिहिर ने कहा, मान लीजिए एक लड़की यूं इस प्रकार से, एक गर्ल है, गर्ल्स, ये एक लड़की है और ये बेचारी खड़ी है और मिहिर से संबंधित है। एक लड़की की ओर इशारा करते हुए मिहिर ने कहा, अब देखो यहां पर ये है मिहिर भाई साहब, और मिहिर एक बॉयज का ही तो नाम है, तो बॉयज के लिए आप क्या करेंगे, हमेशा स्क्वायर जैसी आकृति को बनाएंगे। अब कौन कह रहा है, तो एक लड़की की ओर इशारा करते हुए मिहिर ने कहा, यानी मिहिर भाई साहब इशारा करते हुए कह रहे हैं कि वह मेरे दादाजी के, किसके, मिहिर स्वयं कह रहे हैं कि वो तस्वीर मेरे दादाजी के। तो सबसे पहले मिहिर के दादाजी कैसे बनेंगे, सबसे पहले क्योंकि मिहिर के दादाजी तभी होंगे
जब मिहिर के स्वयं एक पिताजी होंगे, पिताजी के लिए ये एक आकृति बनेगी, उसके बाद पिताजी के पिताजी मिहिर के दादा ही तो होंगे, ठीक है। ये मिहिर के कौन हो गए? दादाजी हो गए। अब सुनिएगा मेरी बात, मिहिर ने कहा वह मेरे दादाजी, तो मिहिर के पिताजी पिताजी के पिताजी तो मिहिर के दादा लगेंगे। मिहिर के दादाजी के इकलौते बच्चे की इकलौते बेटी है, सुनिएगा मेरी बात। इसी को प्रश्न को अगर आप समझ गए, पकड़ गए, सारी सिचुएशन आपसे आसान, क्योंकि एक बार कॉन्सेप्ट अगर हुआ क्लियर तो प्रश्नों को फोड़ अगर आएंगे एग्जाम में, ये मैं दावे के साथ कह रहा हूं, ठीक है। तो यहां से इस प्रश्न को, इसको पकड़ो, इसको मैं अंडरलाइन करूंगा। कह रहा है इकलौते बच्चे की इकलौती बेटी है, इसका अर्थ हुआ वह मेरे दादाजी के इकलौते बच्चे, अर्थात मिहिर जी के दादाजी के इकलौते बच्चे हैं, यानी मिहिर जी के दादाजी के सिर्फ और सिर्फ एक ही बेटे हैं। इसका मतलब जब मिहिर जी के दादाजी के एक बेटे हैं तो मिहिर कैसे आ गए? तो वो मिहिर के पिताजी ही तो होंगे, जो मिहिर कह रहे हैं कि मेरे दादाजी के इकलौते बच्चे, इसका मतलब वो खुद ही कह रहे हैं कि ये मेरे पिताजी की फोटो है, लेकिन वो ऐसे रिलेटेड नहीं कर रहे हैं, कह रहे हैं मेरे दादाजी के इकलौते बेटे अर्थात मिहिर जी के पिता की इकलौती बेटी है, तो मिहिर की बहन, क्योंकि मिहिर भाई साहब तो अपने पिता के ही बेटे हैं, तो मिहिर के पिता की एक बेटी, इकलौती बेटी है जिसका ये तस्वीर बनाई गई है। अब इस तस्वीर को आप यहाँ ले लो। तो कह रहा है मिहिर लड़की से कैसे संबंधित है, तो लड़की जो है मिहिर की भाई हो जाएगी और मिहिर लड़की के भाई होंगे, और लड़की की मिहिर जो होंगे लड़की के क्या होंगे? भाई होंगे। और ये जो लड़की है इस मिहिर की बहन हो जाएगी, बहन, ठीक है। तो इसका मतलब सिस्टर इज द राइट आंसर। अगर आपको कोई चीज की डाउट आती है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया है, आप नोट कर लो यहीं पर, इस पर संपर्क कर लिया करें, आपके डाउट को सॉल्व कर दिया जाएगा। उसके अलावा इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम ग्रुप दिया गया है, उसको ज्वाइन कर लीजिए आप, क्योंकि वहां पर मैं आपको प्रीवियस ईयर प्रश्नों का संकलन दूंगा। जैसे ये चैप्टर खत्म होता है आपको मैं सीट प्रोवाइड करूंगा, जिससे आप प्रश्नों को, अच्छे अच्छे प्रश्नों को मैं आपके सामने लाऊंगा, उन प्रश्नों को आप अपने आप से सॉल्व करिएगा, जिस तरीके से पढ़ाया जा रहा है इसी बेस्ड पर क्वेश्चन होंगे। तीन प्रकार से हमने आपको प्रश्न के प्रकार बताया, इसमें से अभी एक प्रकार का प्रश्न बचा है और वो प्रश्न आपका आपके सामने है, टाइप नंबर 3। इसको आप 3 कर लो। इसमें आपसे पूछेगा कोडेड रिलेशनशिप क्वेश्चन। अब कोडेड रिलेशनशिप क्वेश्चन का अर्थ क्या हो गया? आपके सामने है प्रश्न, अब प्रश्न को आप पढ़िए, फिर आप प्रश्न को सॉल्व कीजिए। इस प्रकार के प्रश्न कैसे होते हैं पहले उससे आप रूबरू होइए, उसके बाद फिर आप सॉल्व करो। देखो कह रहा है कि निम्नलिखित जानकारी को ध्यान से पढ़ें और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दें। सबसे पहला 5 प्रकार से दे सकता है आपको, 4 प्रकार से आपको दे सकता है, उसके अलावा आपको ये 3 प्रकार से दे सकता है, 6 प्रकार से दे सकता है, कितने भी प्रकार से दे सकता है, लेकिन ओरिजिनलिटी तो क्वेश्चन आपका यहाँ दिया है, ये इसको आप पढ़ोगे, इसके बेसिस पर आप इसको पढ़ पढ़कर फिर आपका ऑप्शन दिया गया है, आप ऑप्शन को क्लिक करेंगे मात्र और मात्र, थोड़ा सा इसमें लेट होता है लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा समय लगेगा तो 45 सेकेंड। और अगर आप बहुत फास्ट करते हो, प्रैक्टिस, जितनी प्रैक्टिस होगी उतना समय आपका कम लगेगा, ठीक है। आइए देखिए इस तरह के प्रश्नों को। सबसे पहले इसको हम पढ़ते हैं, जानकारी को। पहला जानकारी है
पी प्लस क्यू का अर्थ है पी क्यू का पिता है, तो क्यू का पिता कौन? पी। कह रहा है ना पी भाई साहब क्यू का पिता है, तो क्यू का पिता कौन? पी। पहली जानकारी। दूसरी जानकारी है पी माइनस क्यू का अर्थ है पी क्यू की माँ है, तो क्यू की माँ कौन है? पी। अब आप कहेंगे पी पिता भी पी माता भी, ये सिर्फ दिया है, ओरिजिनलिटी तो ये है, इससे प्रश्न आपके होंगे सॉल्व, अभी आप देखते रहना, ठीक है भाई। यहाँ आओ, ये कह रहा है कि उसके अलावा P इंटू क्यू का अर्थ है P क्यू का भाई है, क्यू का भाई कौन है? P। P यार छः दिए गए लेकिन इसमें पाँच ही है, एक और बढ़ा लो यहाँ पे, चौथा दिया गया है P डिवाइडेड बाई क्यू का अर्थ है P क्यू की बहन है, तो क्यू की बहन कौन है? P है। फाइव दिया गया है P एट दी रेट क्यू का अर्थ है P क्यों का पुत्र है, तो क्यों का पुत्र कौन है? पी है। सिक्स दिया गया है पी, अभी आप कहने क्या बता रहे हैं आप, ये इससे मुझे समझ में नहीं आ रहा है, रुको ना भाई आप थोड़ा सा तो वेट करो। पी हैशटैग क्यों का अर्थ है पी क्यों की बेटी है, तो क्यों की बेटी कौन? पी। अब यहां से दिया गया है, सुनना मेरी बात, कि दी गई अभिव्यक्ति में ए भाई साहब एफ से कैसे संबंधित हैं, तो एफ भाई साहब ए को क्या बोलेंगे या ए भाई साहब एफ से कैसे संबंधित हैं, उसी को आइए इस बेसिस पर देखते हैं। सॉल्व आपको इस दिए गए इस पर सॉल्व करना है, यहाँ तो पी क्यू का चक्कर है लेकिन यहाँ पे ए प्लस बी बी इंटू सी सी डिवाइडेड बाई डी डी एट द रेट ई ई हैशटैग एफ इतना दिया गया है, तो आइए देखते हैं। P प्लस क्यू का अर्थ क्या है? P क्यू का पिता है, तो यहाँ पे A प्लस देखो A प्लस B, वही सेम कंडीशन यहाँ पे रिलेट करना है, बस यहाँ पर P क्यू दिया गया है, यहाँ पर A भी दिया गया है, तो A प्लस B P प्लस क्यू का अर्थ है P क्यू का पिता है, तो यहाँ से कह सकते हैं A प्लस B का अर्थ है वही चीज A B का पिता है। A जो है किसके पिता हैं? बी के पिता हैं। अब ये नहीं पता कि बी लड़की है या लड़का, छोड़ दो। उसके बाद दूसरा देखो यहाँ पर बी इंटू सी, बी इंटू सी कहाँ पे? ये है। तीसरा पी इंटू क्यू का अर्थ है पी क्यू का भाई है, तो यहाँ पे हो बी इंटू सी का अर्थ हो जाएगा बी सी का भाई है। बी भाई साहब जो हैं किसके भाई हैं? सी के भाई हैं, लेकिन अभी सी का जेंडर स्पष्ट नहीं है, सी लड़की भी हो सकती है लड़का भी हो सकता है, इतनी बात क्लियर। उसके बाद है सी डिवाइडेड बाई डी, सी डिवाइडेड बाई डी, तो यहाँ पर देखो पी डिवाइडेड बाई क्यू का अर्थ है पी क्यू की बहन है, तो यहाँ पर सी डिवाइडेड बाई डी का अर्थ हो जाएगा सी डी की बहन है। सी जो है किसकी बहन है? डी की बहन है, लेकिन डी का जेंडर अभी स्पष्ट नहीं है, छोड़ दो, आओ पढ़ो आगे। अब देखो डी एट द रेट ई का अर्थ क्या है, तो यहाँ पे देखो पी एट द रेट क्यू का अर्थ है पी क्यू का पुत्र है, तो डी एट द रेट ई का अर्थ हो जाएगा डी ई का पुत्र है, डी जो है ई का पुत्र है, डी ई का पुत्र है। तो अब यहां से हम आपसे एक प्रश्न पूछेंगे कि डी जब ई का पुत्र है तो आप बताओ कि ई डी की माता होंगे या पिता होंगे, तो आप कहेंगे कि दोनों हो सकते हैं, जेंडर स्पष्ट नहीं है। हम कहेंगे भाई यही तो आप गलती कर रहे हो, ये 100% इनकी माता हो जाएंगी और इनका इनसे विवाह भी हो जाए, होएगा नहीं होगा, क्योंकि इन तीनों तो आपस में सगे भाई बहन हैं। जब बी के पिता ए हैं डी के, ये कह रहा है कि ई डी के यानी ई के पुत्र डी हैं, तो ऑटोमेटिक
ई की, ये तो डी की माँ हो जाएंगी, क्योंकि इनके पहले से ऑलरेडी पिताजी हैं, तो इनका विवाह हो गया। उसके बाद आ जाओ, यही समझने की बात है। यहाँ पे देखो ई हैशटैग एफ, यहाँ पे देखो पी हैशटैग क्यू का अर्थ है, पी क्यू की बेटी है, तो यहाँ पे ई हैशटैग एफ का अर्थ हो जाएगा ई एफ की बेटी है। ई जो है किसकी बेटी है, एफ की बेटी है, तो जाहिर सी बात है यहाँ पे फिर भी कह दिया कि ई जो है बेटी है एफ की, लेकिन अभी ये नहीं पता चला कि ई के ये पिता हैं या माता हैं, स्पष्ट नहीं है। आइए दी गई जानकारी को अब पढ़ते हैं, यहीं से हमारा प्रश्न हो जाएगा सॉल्व। और कह रहा है दी गई अभिव्यक्ति में ए एफ से संबंधित कैसे है ये, यानी इनकी बेटी, अब ये चाहे माता है इनकी की चाहे ये पिता है ई की, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इनकी बिटिया के पति, तो ये तो इनके दामाद लगेंगे ना। क्लियर हुआ इतनी बात? ठीक है, यहां से आपको जेंडर स्पष्ट हो चुका है। अब आइए हम बढ़ते हैं थोड़ा सा अगले सेगमेंट की ओर, और यहां पर आपको ऑप्शन नंबर टू इज द राइट आंसर। ठीक है, यहां तक अब आपको कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। और हमने आपको शुरू में बता दिया था कि तीन टाइप्स होते हैं, एक टाइप और बनता है इसका, और उस टाइप का मैं आपको नाम बता देता हूं। नहीं, मुझे लगता है कि जी यही बनता है। ठीक है, तो कल थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपका रहेगा, वो मैं आपके डाउट को क्लियर करूंगा, लेकिन आज मैंने आपको तीन प्रकार के प्रश्नों के प्रकार बनाए। पहला हमने आपको बताया, आपके सामने रहा ये पहला, ये देखिए, पहला था बेसिक क्वेश्चन, दूसरा था पॉइंटिंग बेस्ड क्वेश्चन, तीसरा था कोडेड रिलेशनशिप क्वेश्चन। सारे प्रश्नों को खत्म करते हुए अब चलेंगे जो पहला टाइप हमारा था, बेसिक क्वेश्चन, साधारण प्रश्नों को देखते हैं कि कैसे प्रश्न आपके सामने ये आते हैं और कैसे सॉल्व होते हैं। आइए बढ़ते हैं आपके साधारण क्वेश्चन, बेसिक क्वेश्चन के प्रश्न नंबर वन पे। प्रश्न नंबर एक आपके सामने ये रहा। आइए पहले हम पढ़ते हैं, कुछ भी नहीं है, पढ़ते जाओ, रिलेशन बनाते जाओ। अगर आपकी पीढ़ी के हैं, आपके एज के हैं, सिंपल सीधा लिख दो। आपसे बड़े हैं तो बड़े हमेशा ऊपर होते हैं, आपसे छोटे हैं, छोटे हमेशा नीचे होते हैं, उनको नीचे रखो, बड़े हैं बड़े को ऊपर रखो, जानकारी अधूरी मत रखो, प्रश्न आपके सॉल्व हो जाएंगे। देखिए 30 सेकंड के प्रश्न हैं, कहिए मैं आपको सॉल्व करके दिखा देता हूँ। देखो, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा बेसिक में लेकर चलूँगा, समझाते, क्योंकि मैं पेपर देने के लिए तो बैठा नहीं हूँ, पेपर देने के लिए होता तो तुरंत प्रश्न सॉल्व हो जाते, देखते ही ऑप्शन तुरंत टिक मार के चले आओ। सुनो मेरी बात, इस प्रश्न में कह रहा है बी डी का भाई है, डी ई की बहन है, ई एफ का भाई है, बी एफ से, तुरंत ऐसे एरो बनाओ, इसमें कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। एफ बी से कैसे संबंधित है, तो कौन एफ, तुरंत बी का एफ से रिलेशन निकालो। बी डी का भाई है तो बी भाई है ना डी का, उसके बाद डी ई की बहन है, बहन हो गया, ई एफ का भाई है, ई भाई साहब जो हैं, यहां आओ, क्या हुआ, एक मिनट यहां, ठीक है। तो यहां पे क्या हुआ कि कह रहा है ना डी ई की बहन है, तो कौन बहन है, डी किसकी बहन है, ई की, उसके बाद कह रहा है ई जो है एफ का भाई है, तो ई किसका भाई है, एफ का, जेंडर यहां पे एफ का क्लियर नहीं है, तो यहां पे कह रहा है बी एफ से कैसे संबंधित है, तो बी या तो इसका भाई होगा या तो बहन होगी, जेंडर स्पष्ट नहीं है, इसलिए ऑप्शन में दे के रखा है भाई या बहन। अब मैं आपको इसको फिर से समझा देता हूं, ये इतना फास्ट कर दिया हमने, बहुत लगा होगा 40 सेकेंड, उससे ज्यादा समय नहीं लगेगा। ठीक है, आओ यहां देख लो एक बार, मैं चाहूँ तो बहुत फास्ट कर सकता हूँ, लेकिन आपको समझाने के लिए मैं समय लगे, लेकिन वो समय आपके लिए अच्छा होना चाहिए, बेटर हो।
ठीक है भाई। अब सुनो, गौर से सुनना, बी डी का भाई है, तो डी का भाई है कौन? बी। तो ये सात प्रश्न कह दिया कि बी तो भाई है डी का, इसका मतलब बी बॉयज है, बी किसका भाई है? डी का। अब यहां से हम आपसे प्रश्न आगे मत पढ़ो, यहां से मैं आपसे इतना पूछता हूं कि बी, ये डी जो है, बी की क्या लगेगा? अभी इस समय अगर पूछा जाए तो बी की ये बहन भी हो सकती है, भाई भी हो सकता है, लेकिन आगे हमको बोल दिया है ना कि डी ई की बहन है, तो ई की बहन कौन है? डी है, ये बहन, तो इसकी भी तो बहन होगी। आगे चलो, किसकी बहन है? ई की। अब बताओ कि बी और डी तो भाई बहन, तो बी डी की ये कौन लगेगा? ई। अभी इस समय भाई भी हो सकता है ई, बहन भी हो सकता है ई, तो आगे कह दिया ई जो है एफ का भाई है, तीनों आपस में भाई बहन का संबंध हो रहा है, एफ का भाई है, लेकिन उसके बाद कुछ नहीं बोला। अब तीनों तो भाई बहन हो गए, लेकिन इसके बारे में दुविधा हो गया, ये हमारा भाई है कि बहन है, नहीं दिया है, छोड़ो। तभी अगर ये जेंडर दे दे, स्पष्ट कर दे, स्पष्ट कर दे, तो प्रश्न कैसे बनाएगा एग्जामिनर? इसी में आप कन्फ्यूज होंगे, आप कहोगे जानकारी अधूरी है या इसमें से कोई नहीं, लेकिन यहाँ पे दे के रखा है ब्रदर एंड सिस्टर, या तो ये इनको भाई बोलेंगे या बहन बोलेंगे, इसलिए दिया गया है ब्रदर और सिस्टर, भाई और बहन। ऑप्शन नंबर थ्री इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर थ्री इज द राइट आंसर। आइए बढ़ते हैं अपने हम अगले प्रश्न की ओर, और अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा, ठीक है। आओ देखते हैं, थोड़ा फास्ट करने की कोशिश करेंगे अब हम। डी बी का भाई है, बी का जेंडर अभी हमें नहीं पता, लेकिन उसके बाद है एम बी का भाई है, एम जो है किसका भाई है? बी का भाई है, बी का भाई कौन है? एम। अभी भी जेंडर नहीं क्लियर हुआ। के एम का पिता है, तो एम के पिता कौन हो जाएंगे? के, ठीक है। अब यहां से पूछेंगे, जब ये तीनों आपस में भाई बहन, लेकिन इसके बारे में क्लियर नहीं है कि इसके भाई है या बहन, तो के इन तीनों के पिता हो जाएंगे ना यार। अब आप कहेंगे ठीक है, उसके बाद आओ देखते हैं, टी के की पत्नी है, तो के की पत्नी जब टी हो जाएंगी, तो एम बी डी के माता पिता हो जाएंगे के टी। उसके बाद कह रहा है बी टी से कैसे संबंधित है? ओ माय गॉड, देख रहे हो, अगर इसका जेंडर एग्जामिनर स्पष्ट कर देता तब तो आप तुरंत बता देते पुत्र या पुत्री, लेकिन भाई डी बी के भाई बहन कुछ भी हो सकती है, ये तीनों आपस में भाई बहन हैं, लेकिन बी का जेंडर स्पष्ट नहीं है, और तीनों के माता पिता क्या हैं? के तीनों के पिता हैं, टी तीनों की माता हैं, लेकिन यहाँ से टी कह रहा है ना बी टी से कैसे संबंधित हैं, तो या तो इनके पुत्र होंगी, ये या तो पुत्र होगा या टी की ये पुत्री होंगी, लेकिन यहाँ ये स्पष्ट है बी जो है टी जो है बी की माता है, के जो है बी डी एम तीनों की पिता हैं, डी बी एम तीनों की माता टी हैं। आई होप कि यहाँ तक आप सभी लोगों को क्लियर, तो आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर, और अगला प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन पर। आइए समझते हैं, यहां से ए बी का पिता है, ए पिता है ना किसके? बी के। उसके बाद कह रहा है सी डी का पुत्र है, सी जो है किसका पुत्र है? डी का पुत्र है कौन? सी। लेकिन डी के बारे में जेंडर स्पष्ट नहीं है। उसके बाद कह रहा है ई ए का भाई है, देखो ई जो है ए का भाई है, तो ए का भाई कौन यहाँ पे हो रहा है? ई। भाई बहन आपस में रिलेटेड होते हैं। उसके बाद बी सी की बहन है, बी जो है सी की बहन है, तो इससे क्या आपको स्पष्ट हो गया? जब बी सी की बहन है, तो सी की ये तो माता भी हो सकती है, ये पिता भी हो सकती हैं। जब इन दोनों के पिता ए हैं, तो माता तो यही होंगी ना,
ये हो गया, इन दोनों का विवाह हो गया। प्रश्न कैसे कह रहा है, डी ई से कैसे संबंधित है, ई का डी से, ये इसको क्या बोलेंगी बताओ, बता सकते हैं? देखो इनके भाई, भाई की पत्नी को आप क्या बोलेंगे, सिस्टर इन लॉ। ऑप्शन नंबर 4, सिस्टर मतलब कि या तो इनकी भाभी लगेंगी, ठीक है, भाभी लग सकती हैं भाई, क्लियर, इसलिए भाभी वाभी एग्जाम में नहीं देगा, सिस्टर इन लॉ देखेगा। और सिस्टर इन लॉ का अर्थ हमने बता के रखा है, होता क्या है। आइए बढ़ते हैं अपने हम अगले प्रश्न की ओर, और अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा स्क्रीन पर, आइए देखते हैं, थोड़ा अच्छा प्रश्न है ये भी, इसी प्रकार के ये बेसिक क्वेश्चन है, पहले आप बेसिक क्वेश्चन को डील करो। आइए देखते हैं, जे पी की माँ है, बहुत फास्ट करो यार, पी की माँ कौन है, जे है, कोई दिक्कत, पी के का भाई है, पी भाई साहब जो हैं किसके भाई हैं, के का जेंडर नहीं मालूम चला, के जो हैं वी की माँ हैं, के किसकी माँ हैं, वी की माँ हैं, वी की माँ हैं, इसका मतलब इनके कोई पति होंगे लेकिन अभी मालूम नहीं है, इस प्रकार से आप बना दो, वी की माँ कौन है, के हैं, क्यों वी का भाई है, सॉरी क्यों वी का भाई है, तो वी का भाई कौन, क्यों, लेकिन अभी भी हमें वी के बारे में जेंडर क्लियर नहीं है। उसके बाद कह रहा है जी क्यों का पिता है, तो जी क्यों का पिता हो जाएगा, तो यहाँ पे तो आएंगे जी, क्योंकि इनकी माता के हैं तो जी इनके पिता हो जाएंगे। एस पी का पिता है, तो पी के पिता कौन है, एस, जब इनकी जे माता है तो पिता तो इनके एस होंगे ही होंगे। उसके बाद कह रहा है निम्न निम्न में से कौन सा कथन इस जान, देखो ये जो डायग्राम क्रिएट हुआ, इस डायग्राम के आधार पर इस पांचों ऑप्शन में से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो ठीक है, आओ हम देखते हैं। कह रहा है के जी की पत्नी है, आप यहाँ पे चेक करो, के जो हैं जी की पत्नी है, बिल्कुल सही बात, पहला ऑप्शन ठीक है। दूसरा ऑप्शन देखो, के जो हैं एस की बेटी हैं, क्या एस की बेटी, भाई एस के पति और उनके नीचे बेटी, ठीक है, के जो हैं एस की बेटी हैं, ऑप्शन नंबर 2 भी ठीक हो गया। ऑप्शन नंबर 3 चेक कर लीजिए आप, कह रहा है जी वी का पिता है, तो वी का पिता कौन है, जी, तो क्या वी का पिता जी है, बिल्कुल ठीक बात है, क्योंकि वी की माता के पति जी ही तो हैं। उसके बाद ऑप्शन नंबर 4 चेक करो, कह रहा है एस जे का पति है, जे का पति कौन, एस, तो जे का पति एस ठीक है। इस प्रकार से यहाँ पे पांचों ऑप्शन ठीक हो जाएगा और हम कह सकते हैं हमारे इस प्रश्न का जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 5, पांचों नहीं ठीक होगा, ऑप्शन नंबर 5 इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 5 इज द राइट आंसर, इसका मतलब सभी सत्य हैं। यहां तक बात क्लियर हो गई हो आपको, बढ़ते हैं, खत्म, सिर्फ चार प्रश्न ये डिस्कस किया हमने और 3 प्रश्न आपके सामने हम दिए थे जिस प्रकार से प्रश्न की आकृति बनती है, तो ये प्रश्न हुआ आपका समाप्त। कल टुमारो आपका मैं इसी बेसिक क्वेश्चन को और मैं डील करूंगा, लेकिन आपसे क्लास एंड करते करते आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप ये करते रहो सपोर्ट, एक लोग जुड़े हो तो एक लोग के पास तो दो मित्र तो मैंडेटरी हैं, जो कंपटीशन एग्जाम को फाइट कर रहे होंगे तो फाइट करने के बोलिए अपने चैनल पर आए, रीजनिंग को फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ें, जनरल साइंस के सारे पार्ट फ्री ऑफ कॉस्ट, आपको ऐसी चीजें मिलेंगी क्लास के दौरान ही आपको याद होंगी, ठीक है। अगर आप सभी लोगों को यहाँ तक ठीक है तो कम से कम आप एक लाइक कर दिया करो, चैनल पर नए रहा करें चैनल को टक्कर से सब्सक्राइब करके शेयर कर दिया करें, मिलते हैं आपको आगामी क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल, जय हिंद जय भारत साथियों।